अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ और धोने के बाद जी यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए जो मिल्क लेके आती हूँ, माशाल्लाह वो 1 ईयर की हो गई है, तो उसके लिए जो मैं मिल्क यूज़ करती हूँ, मैंने उसको पहले होल मिल्क जो है वो मैंने लगाया तो, लेकिन उसको वो सूट नहीं किया, उसके साथ उसको कब्ज़ वगैरह हो गई थी। अब मैं यहाँ अब फिर हमने मैं उसको छोड़ के फिर मैंने डब्बे पर लगा दिया था उसको, यानी कि उसको डब्बा दिया मैंने कुछ दिन। फिर अब मैं क्या सोच रही हूँ कि अब मैं ये वाला, हमने ये देखा था कहीं से सुना था कि ये जो मिल्क होता है ये बहुत अच्छा होता है, ये होल मिल्क सॉरी बिग मिल्क है होता होल है, और इसके अलावा ये अच्छा दूध है बच्चों के लिए, जो 1+ ईयर वाले हैं ना उनके लिए ये बहुत अच्छा दूध है, और इसके अलावा सारे यूज़ कर सकते हैं इसको, सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मिल्क है। तो मैं अब अपनी बेटी को ये दे रही हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है अब बनता तो ये है कि उसको सूट करे, तो अब देखते हैं कुछ दिन दे के उसको, देखते हैं कि उसको सूट करता है कि नहीं करता। और इसके अलावा इसको मैं अब उबाल के रखूँगी, ये महंगा भी है और ये यानी कि 2 पाउंड समथिंग का है, और वो जो हम होल मिल्क लेके आते हैं वो 1.45 इतने का मिलता है, और ये जो है ये ज़रा थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो खैर ये हम लाते हैं जी सेंसबरी से, टेस्को से भी मिल जाता है और इसके अलावा अल्दा से भी मिल जाता है। और अब मैं इसको गर्म करने लगी हूँ तो साथ साथ बर्तन धो रही थी, मैंने कहा जी मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना जो व्लॉग है वो शुरू किया है, और बस इसी तरह से कुछ मसरूफियात और आगे पीछे यहाँ पर बहुत टफ सा हो जाता है, व्लॉगिंग वगैरह बहुत मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। तो खैर अब साथ में आज मैं ले लाइटिंग वगैरह ले कर आई हूँ बाहर, मैंने कहा जी हमारा दरख्त है तो हम उस पर ना ये लगाएंगे, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी है तो मैंने कहा जी ले जाती हूँ और जाकर सुबह इसको मैं सेट करूँगी, फिर कल रात को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए कितनी कलरफुल है, यानी कि ये जो लाइट है छोटी ये 50 है, यहाँ पे 50 लाइट्स हैं ये वाली, तो इसके अंदर सेल जाते हैं जी और इससे ये ऑन और ऑफ होती है, ठीक है। ये इसका बटन लगा हुआ है ऐसे ऑफ ऑनलाइन, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले हम ग्रॉसरी करने गए थे, कुछ चीज़ें थी जो लेके आए थे और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में। तो जी ये है पानी जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो घर का पानी है वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि मुझे नहीं सूट किया, और जाहिर सी बात है मेरी बेटी को भी नहीं सूट करेगा, तो मैंने ये वाला पानी यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा पानी है, हम पानी बाहर से लाते हैं और ये वाला पीते हैं जी, घर से हम बिल्कुल पानी नहीं पी रहे, घर वाला पानी बिल्कुल नहीं मुझे सूट किया। तो उसके अलावा मुझे कुछ देर पहले तो मेरा इतना स्टमक प्रॉब्लम रहा है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं था, ना खाने का मज़ा था ना कुछ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने पानी अपना चेंज किया तो मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। और इसके अलावा ये चीज़ पानी वगैरह लेके आए थे और साथ में एक तो चीज़ें थी अपने बच्ची की जो टॉयज़ वगैरह थे वो साथ लेके आई हूँ, और अब किचन साफ कर रही हूँ, तो मैंने कहा जी आप लोगों को साथ साथ ये भी दिखाते जाऊँ और बताते जाऊँ। तो आज जो मैंने दिन में किया था, सॉरी ये व्लॉग मैं रात को बना रही हूँ, रात को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे दिन में सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, और कल रात को मैं थोड़ी देर जागती थी, बेटी मेरी जाग रही थी और उसकी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तो मैंने कहा जी मैं अभी दिन में सो गई थी उसकी वजह से भी मुझे मैंने व्लॉग वगैरह कोई नहीं की, और ये मैंने स्पेगेटी बनाई थी जी दिन को, और ये देखें टू मच यम्मी और बहुत मज़े की बनी थी, अभी मैंने खा ली हुई है, बस मैं अब इसको बंद करके रखने लगी, मैंने आप लोगों को दिखाई कि आप लोग देखें इसको। और इसके अलावा जी साथ अब मैं अपना बनाने लगी हूँ अपनी चाय और अपनी बेटी का करने लगी हूँ दूध गर्म। तो जी यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह ले लिया हुआ है और इसके अंदर मैं करती हूँ दूध ऐड, और इसको मैंने करना है जी 2 कप तकरीबन मैं गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा डिब्बा भी पड़ा हुआ है, साथ साथ वो चला रही हूँ, एक हाथ उसका फीडर दे रही हूँ और एक तो इसका दे रही हूँ, तो ज़्यादा फीटर तो नहीं देती वैसे मैं, जो है खाने पीने के लिए दूसरी भी चीज़ें जा रही हैं उसके अंदर माशाल्लाह, और ये मैं अब गर्म करती हूँ और इसके बाद साथ साथ जो अपने बर्तन हैं वो भी धोती हूँ। तो जी यहाँ पे किचन जो हमारे रोल्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे और पेपर्स जो थे वो लेके आई हूँ, और देखें जी ये भी 2 बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी, काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे, तो मैंने कहा जी ले जाते हैं, फिर भी तो और कुछ दिन तक ख़त्म हो ही जाने हैं तो फिर बार बार नहीं जाने होता, ठीक है इसको भी रखते हैं अंदर, ठीक है।
देखें जी, ये हम डोल हो गए और बर्तन इतने ज़्यादा हैं, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई 10 बंदे रहते हैं। तो हम दो लोग हैं अभी खाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे दूध भी मेरा तकरीबन हो चुका है, इसको मैंने थोड़ा साइड पे किया। कल भी मेरा सारा रूला ख़राब हो गया था, अभी मैंने सारा किचन प्रॉपरली साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अलावा ये आप लोग देख रहे हैं सारे टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन इस इन बच्चों को सुकून पता है कहाँ मिलता है? हमारे पाँव के नीचे, हमारे पाँव से आके लग जाने का इनको सुकून मिलता है। हालांकि टीवी भी हमने लगा के दिया, लेकिन नहीं, इन्होंने आना हमारे पाँव के नीचे ही। अच्छा जी, मैं अभी आप लोगों को यही बता रही थी कि कल मेरे साथ यही काम हुआ है, तो माशाल्लाह से अभी भी वही काम हुआ है जो मेरे साथ कल हुआ था। तो खैर, अब क्या करें, अब करते हैं इसको साफ, और साफ करने के बाद बाकी मैं प्रॉब्लम को दिखाती हूँ। तो जी, यहाँ कुछ हद तक जो मेरा किचन है वो साफ़ हो चुका है। अब बर्तन उठाने हैं, वो मेरा दिल कोई नहीं कर रहा उठाने का। खैर, अब क्या करें, उठाने तो हैं ना, तो अभी इनमें फेंकते हैं इसको और बर्तन उठाते हैं साथ साथ। और दूध हो चुका है, उसको निकाल के मैं उसको रखूँगी इसके अंदर। ये मैंने रखा हुआ था इसके अंदर, ये देखें, ये इसका ही मैंने रखा है यहाँ पे। इसके अंदर ऐड करूँगी, ये निकाल के पहले वो रखती हूँ, फिर उसको फीडर के अंदर करती हूँ, फिर इसको उसके अंदर डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस मैंने बर्तन उठा लिए हैं सारे, और कुछ मैं इसके अंदर रहने दूँगी। और जो मेरी चाय है वो भी बन रही है बस, और फ़ोन मैंने चार्जिंग पर लगाया हुआ है साथ। किचन साफ हो गया, वो पहले वाला जो मैंने दूध निकाला था वो एक फीडर बन गया इसका। अब इसको साइड भी करती हूँ, बस इसको सुलाना है अभी थोड़ी देर तक। और साथ साथ जो नीचे है फर्श किचन का, उस पर भी अभी माप लगाना है मैंने, तो वो माप लगाते हैं। तो फिर इसके बाद इसको चाय पी के आराम सुकून से फिर अपनी बेटी को सुलाऊंगी। तो ये देखें जी, किचन भी मेरा सारा डन हो चुका है, यानी कि साफ़ सुथरा हो चुका है। ठीक है, नीचे से भी इसका फर्श साफ़ कर दिया। अब हम बस अपनी बच्ची को सुलाते हैं, नींद से बहुत ज़्यादा आई हुई है, और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको दिखाएंगे। तो जी, ये मैं आई हूँ रूम में, और मैंने सारी चीज़ें रख दी है वहाँ पे ला के। ये पानी वगैरह होता है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध रह गया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा रात को जो एक फीडर देना होता है वो इसका दे दिया करो, तो बाकी मैंने घर पर आप लोगों को बताया कि दूसरे वाला लगा लिए। तो बस जी, ये बेड वगैरह भी तैयार है उसका, और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और सांस इसलिए चढ़ गए क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।